जादूगर की परीक्षा। एक बार दिल्ली में एक जादूगर रहता था। वह अलग अलग भेषों में करतब दिखलाकर लोगों का मनोरंजन करता था। एक दिन राजा अकबर उसका करतब देखने गए। उनके मंत्री और अंगरक्षक उनके साथ थे। सब लोग खेल देखने में व्यस्त थे। अंत में जादूगर ने एक बैल का भेष बना लिया। हर कोई उसके खेल से खुश था और सबने उसकी कला की प्रशंसा की। भीड़ में एक छोटा लड़का भी था जो कि खेल देख रहा था। अचानक उसने एक पत्थर उठाया और बैल की तरफ फेंक दिया। उसने इनाम के रूप में उस बैल की तरफ अपनी टोपी भी फेंकी। राजा अकबर लड़के की क्रियाएं देख रहा था। उसने छोटे लड़के को बुलाया। राजा ने पूछा, तुमने बैल की तरफ अपनी टोपी क्यों फेंकी? लड़के ने जवाब दिया, महाराज, मैंने इसे इनाम के रूप में फेंका था। राजा ने लड़के को शरारती समझा। राजा ने कहा, इनाम? कैसा इनाम? एक मैली टोपी इनाम के रूप में? छोटे लड़के ने कहा, महाराज, मैंने जादूगर के अद्भुत और वास्तविक भेष को उत्साहित किया है। मैंने बैल पर एक पत्थर फेंककर यह परीक्षण किया है कि जानवर की चमड़ी इतनी नाजुक होती है। मैंने बैल पर एक पत्थर फेंककर यह परीक्षण किया है। जानवर की चमड़ी इतनी नाजुक होती है कि अगर कोई छोटी सी चीज उस पर लगती है तो वह कांप उठता है। जब मैंने बैल की पीठ पर पत्थर फेंका तो जादूगर कांप उठा। जादूगर ने मेरी परीक्षा पास कर ली। राजा ने कहा, लेकिन तुमने इनाम के रूप में यह मैली कुचैली और फटी हुई टोपी क्यों फेंकी? लड़के ने कहा, महाराज, अच्छी परीक्षा को पास करना जरूरी है। इनाम चाहे कुछ भी हो, एक टोपी या एक सोने का सिक्का, कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविक उत्साह के बिना इनाम में दिया हुआ सोने का सिक्का भी व्यर्थ है। राजा अकबर ने लड़के को चालाक समझा। वे लड़के को अपने महल में ले गए और उसे वहां पर कार्यरत कर दिया। यह लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से जाना गया। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusKidsWorld.